इतना शुद्ध थी सीता मैया, इतने सारे प्रलोभन के बीच में भी सीता ने अपना भक्ति के लिए छोड़ा। तो हम सबकी जिंदगी में अलग अलग प्रलोभन आते हैं, वो प्रलोभन से अगर हम मोहित हो गए हम भगवान का भक्ति छोड़ देंगे। तो सीता मैया हमको सिखा रही है कि कैसे भक्ति में टिके रहना है, स्टेडी रहना है, जो भी प्रलोभन आए उसमें आपको विचलित नहीं होना है, ये अपनी फिक्स्ड इन डिवोशन। हनुमान जी का जो ये जर्नी है सीता मैया के पास और समुद्र पार करके लंका जाना, हम साधकों का जर्नी है। सीता मैया कौन है? भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप भक्ति है। जैसे हनुमान जी जा रहे हैं सीता से मिलने के लिए, हम सबका भी जो लक्ष्य है, हम सबने ये जर्नी लिया है, ये यात्रा में हमें भाग दिया है। कौन सा यात्रा? कृष्ण वामनगर। हम सब आए हैं, ये यात्रा में चल रहे हैं, ये जो मार्ग है भक्ति का इसका हम अनुसरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको भक्ति प्राप्त करना है। We want to achieve भक्ति, जो अनन्य भक्ति है, ब्रज की भक्ति है, वो प्राप्त करना है। पर वो कैसे प्राप्त करें? साधक के मार्ग में क्या क्या अड़चन आ सकते हैं, आएंगे, इससे कैसे बचना है हनुमान जी सिखाते हैं। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं या सुनते हैं हमको ध्यान से सुनना है। बचपन में पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, बचपन में गेम होता है ट्रेजर हंट, गेम खेला है, एक जगह पर जो खजाना है छुपा रहता है और वो प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर चिट्ठी होता है, आप यहां पे जाओगे बोलेगा नहीं, आप यहां पे जाओ, यहां पे जाओ। तो ये गेम को जीतने के लिए जो ट्रेजर है वो प्राप्त करने के लिए बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी वो क्लू निकल सकता है, आप किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हमको कैसे पढ़ना है? बहुत ध्यान से पढ़ना है।